Assalamualaikum दोस्तों ये हर साल रामबनस में ब्रोड कुन हरण गिस्ती वीडियो बुचित इच्छा मुझ शाकुन वीडियो ब्रोड कुन यह तमसन एक्सी गरसमस त्रेन बिलियन हंत मोच सब्दियों मत दोस्तों वन्ने चिवन की ये मस चासमस त्रेन मिस फ्लोरसमस शिंगमस्ती शिंगित आसमस ये जदसमस रातस नार चुन हतमत की ये मंच त्रेन वनी हंत मोच सब्दियों मत आप सोच मगर इम सातन दोस्तों कसान की ये इम सातन बोझान ची की एकिस मैल दून अके सतन त्रेन त्रेन कोरन नक अफसूस मुकाम चु ब्रोह कुन आमुत हालांकि दोस्तों वुच्त यह ब्रोह वीडियो गुमत क्या मजन ये वीडियो में सर की डिटेल वो फैमिली क्या वन अम पतन करो इस मजीद कार दोस्तों अगर तुम नई आम चैनल पर चैनल तो करो जरूर सब्सक्राइब अत मुतल क्या अपडेट ये ब्रोह कुन सर बहुत तथा वातन कोशिश वुच्त यह ब्रोह वीडियो अम पतन करो इम्पॉर्टेंट कस तुम बूझो जरूरी। एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। आग की एक वारदात में तीन बहनें जिंदा जल गई। वो घर में सोई हुई थी रात के दौरान। आग की एक वारदात में तीनों बहनों की जो है मौत हुई, वो जिंदा जल गई। और ये हादसा जो है रामसू इलाके में पेश आया है। और एक की उम्र जो है 18 साल की थी, दूसरे की 12 साल की और तीसरी बहन की उम्र 8 साल की थी। यानी तीन बच्चियों की जो है मौत हुई है इस हादसे में। एक दर्दनाक हादसा है। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी से मैंने बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये आप पहले सुनिए। डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीरुल हक चौधरी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीसी साहब, क्या है डिटेल्स, कैसे ये वाकया पेश आया है? एक दिलदोज हादसा है ये। रात के दूसरे पहर में एक वाकया है, लगभग 2 से 3 बजे के बीच में। एक घर है उसमें आग लगी है। तो उस घर की 3 मंजिलें थी, उसमें जो है वो आग दूसरी मंजिल से लगी। तो फैमिली जो थी इनमें ये 2-3 बच्चियां जो थी इनकी, जो तीसरे फ्लोर पे सोई हुई थी, और जो इनके पेरेंट्स थे और उनके 2 साथ में छोटे बच्चे और भी थे और उनकी वालिदा भी, तो वो जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे सोए हुए थे। तो ये पता ही नहीं लगा उनको कि आग का। तो जब वो ऊपर से 2 मंजिलें जल गई, उसके बाद जाके इनको पता लगा कि आग लगी है घर में। तो उसमें तीनों बच्चियां हमारी जो है वो जो है उनकी मौत हो गई। तो बच्चियां जो थी वो एक 18 साल की थी, एक 12 साल की है और एक 8 साल की बच्ची है। तो अभी तक जो है उनका पोस्टमार्टम वगैरह जो है वो हमने वहीं घर में ही करवा के आखिरी रस्मात के लिए दे दिया है। तो बाकी जो भी फैमिली को जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हेल्प सपोर्ट मिलती है, तो वो तो हम हमेशा फैमिली के साथ हैं और वो प्रोवाइड करेंगे भी और कर भी रहे हैं। अभी तक जो इमीडिएट रिलीफ जो था वो हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही प्रोवाइड कर दिया था। तो बाकी जो होगा तो वो आज शाम तक या कल सुबह तक कर रहे हैं। अभी हम मान लें कि एक हादसा ही है, कोई इसमें कोई साजिश हो गया। हादसा जी, हादसा इसमें क्या, ये तो बड़ा एक दर्दनाक सा वाकया है। और जैसे रामबन जो है वो एक बड़ा हिली डिस्ट्रिक्ट है जी। तो यहाँ पे जो है घर जो है और इतने दूर दूर है, आपको पता ही है दूर दराज जहाँ पे हिली एरियाज में पॉपुलेशन की जो सेटलमेंट है वो स्कैटर टाइप की होती है जी। और फिर रोड या ये सारी चीजें इस तरीके से है कि वहाँ पहुंच भी नहीं पाती है गाड़ी हमारी। तो इसमें कोई नहीं, ये तो नॉर्मल आग लगी, लेकिन फिर भी जो है वो हमारा इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी जो डिटेल्स बता रहे थे। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये इसकी तस्दीक कर दी कि तीन बहनें जो हैं उनकी मौत हुई है इस दर्दनाक हादसे में। आग लग गई रात के दौरान। और मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्ची का नाम जो है वो बिस्मा है, दूसरी का साइका और तीसरी जो है सानिया। सानिया, साइका और बिस्मा की मौत हुई है। जो सबसे बड़ी लड़की है उनका नाम सानिया है, 18 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और 12 साल की जो है बिस्मा बताई जा रही है। और जो साइका है उनकी उम्र जो है वो 8 साल की बताई जा रही है। अब्दुल लतीफ लोन साहब की ये बेटियां हैं। चलो दोस्तों वुचते वीडियो अख सेकंड रुक जाओ बह क्या वन दोस्तों ये वाक ब्रोह कुन आम रामबनस मे जन त्रेन बेन हंद मौत सपदमुत एक गरस मन मगर दोस्तों यन वीडियो बनान मकसद यो कि विकनस कि ये त्रे बेन आम वन आम अहज बाड़ी पोस्टमार्टम करने खुद निन आखिर कित पड़न ये मामल सपदमुत क्या ये पत्किन क्या वजह से कित पड़न ये हादसा सपदमुत अत मुतल पुलिसन इन्वेस्टिगेशन जारी अत मुतल क्या अपडेटी बे करो उन बेन खुद दुआ मकफरत अल्लाह ताला कैसे जन्नतुल फिरदौस अता करन ये अफसूस मुकाम कम सा त्रेन बेन एक मौत सपदो जान ये मोल जान ये फैमिली विकनस हालांकि दोस्तों वीडियो करो ये एंड थो पुन ख्याल वीडियो करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर। खुदा हाफिज़।